बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ से शादी करने के बाद एक्टर विकी कौशल की जिंदगी काफी बदल गई है। इसका खुलासा खुद विकी ने किया है। विकी ने यह भी बताया कि जब उनके दोस्तों को पता चला कि कटरीना कैफ उनकी वाइफ बनने वाली है तो उनके दोस्तों का रिएक्शन कैसा था। उन्होंने कहा कि शादी के 3 दिन उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। विकी और कटरीना ने पिछले साल 9 सितंबर 2021 को शादी की थी। इन दोनों की शादी की खबर से फैंस हैरान रह गए थे क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। विकी और कटरीना काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन इस बात को उन्होंने इतना सीक्रेट रखा कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। वहीं आईफा के एक इवेंट में कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला के साथ विकी ने एक फनी सेगमेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान जब विकी अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि शादीशुदा आदमी बनकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर विकी ने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं वास्तव में व्यवस्थित महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही सही शब्द है, भगवान मुझ पर मेहरबान रहे हैं, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। वहीं कुशा ने विकी को छेड़ते हुए एक और सवाल पूछ लिया कि कटरीना कैफ से उनकी शादी पर उनके दोस्तों का क्या रिएक्शन था। विकी ने जवाब दिया कि उन्हें अब इसकी आदत हो गई है। उन्होंने कहा, वो सब शादी में आए थे और लंबे समय तक हमारे साथ रहे, इसलिए अब वो इसके बारे में शांत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी में लोगों ने उन्हें सबसे अच्छे दूल्हे के रूप में टैग किया था। विकी ने आगे कहा कि वो आईफा अवार्ड्स में आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। इस दौरान विकी को सरदार उद्धम में उनके परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। विकी कौशल आखिरी बार सुजीत सरकार की फिल्म सरदार उधम सिंह में नजर आए थे। फिलहाल वो फिल्म गोविंदा नाम मेरा में कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर के साथ नजर आने वाले हैं। इसके अलावा वह लक्ष्मण उटेकर की एक अनटाइटल फिल्म में सारा अली खान के साथ भी नजर आने वाले हैं। साथ ही विकी के पास इस समय डायरेक्टर मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर भी है। इस बात की जानकारी खुद विकी ने अपने सोशल मीडिया पर दी थी।